हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि किस सैनिक स्कूल में ज़्यादा कट ऑफ स्कोर होते हैं, मतलब कि ऐसे कौन सैनिक स्कूल हैं जिनका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास लगातार पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और भी दूसरे सैनिक स्कूल्स के कट ऑफ के बारे में बताया था, जैसे कि नालंदा, गोरखाल, रेवा, पुरुलिया, सतारा, भुवनेश्वर, इन सारे सैनिक स्कूल्स के कट ऑफ के बारे में बताया है। नालंदा और गोरखाल का कट ऑफ मैंने स्पेशली अलग अलग वीडियो में तैयार किया है और बाकी सैनिक स्कूल्स का कट ऑफ एक वीडियो में बनाया है, तो उन तीनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। अगर आपने फॉर्म नालंदा सैनिक स्कूल से भरा है तो आप नालंदा सैनिक स्कूल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो को देखिए, और अगर आप गोराखाल में फॉर्म भरे हैं तो गोराखाल वाले वीडियो को देखिए, और अगर आपने इन दोनों सैनिक स्कूल के अलावा और दूसरे सैनिक स्कूल में फॉर्म भरा है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जिस सैनिक स्कूल में आपने फॉर्म भरा है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़रूर जानिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप यह जान सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। और हमारे इंस्टा आईडी सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, उससे आप हमसे और भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सैनिक स्कूल्स का कट ऑफ जो है वो हाई स्कोर होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बिहार और यूपी के जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाता है। बिहार के सैनिक स्कूल्स जो कि नालंदा और गोपालगंज हो गया, और यूपी का सैनिक स्कूल अमेठी, झांसी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, तो इन सारे सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। बिहार और यूपी का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, अकेले बिहार की आबादी तो 10 करोड़ है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉपुलेशन के कारण ऐसा होता है, दोनों का अगर हम बिहार और यूपी तो दोनों को देखें और दोनों को सेपरेट अगर कर दें, बिहार यूपी को सेपरेट अगर हम कर देते हैं तो ये एक अकेले देश बनने की क्षमता रखता है, ये इतना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन के कारण जो है कंपटीशन बहुत ही हाई है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इन सारे सैनिक स्कूल्स में, बिहार और यूपी के सैनिक स्कूल में फॉर्म भर रहे हैं। आजकल ज़्यादा बच्चे जागरूक हो रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में, उनको भी जानकारी मिल रही है और वो सैनिक स्कूल में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोर होता है। इसके अलावा अधिकतर जो नॉर्थ के सैनिक स्कूल हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया के सैनिक स्कूल हैं, इसके अलावा भी जैसे कि सैनिक स्कूल गोपालगंज हैं, कपूरथला, कुंजपुरा, ये सारे सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो है वो हाई ही होता है। नॉर्थ के सैनिक स्कूल का कट ऑफ हाई होता है साउथ के कंपैरिजन। साउथ के जो सैनिक स्कूल है उनका कट ऑफ थोड़ा सा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है उनका भी, जैसे कि सैनिक स्कूल कोरकोंडा हो गया, तो इन सैनिक स्कूल कोरकोंडा का भी जो कट ऑफ है वो एवरेज भी ठीक ही होता है। नॉर्थ के कंपैरिजन में इसका कट ऑफ हाई नहीं होता है, लेकिन इसका भी कट ऑफ एवरेज में ठीक ही होता है। ये सैनिक स्कूल टॉप सैनिक स्कूल में भी आते हैं, ये सारे सैनिक स्कूल गोराखाल, कपूरथला, कुंजपुरा, कोरकोंडा, ये सारे सैनिक स्कूल टॉप सैनिक स्कूल में भी आते हैं, तो इनका कट ऑफ जो है वो इसलिए हाई भी है। तो जो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ स्कोर होता है ऑल इंडिया में वो बिहार और यूपी के ही सैनिक स्कूल हैं जिनका कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि और कौन से सैनिक स्कूल हैं जिनका कट ऑफ जो है वो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो सैनिक स्कूल घोराखाल, कुंजपुरा, कपूरथला, इन सारे सैनिक स्कूल्स का जो कट ऑफ है वो भी हाई जाता है। लेकिन अगर इनके कंपैरिजन अगर साउथ की जो हम बात करें कट ऑफ की, जैसे कि सैनिक स्कूल कजाकोटम केरला में, सैनिक स्कूल अमरावती नगर, इन सारे सैनिक स्कूल जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम होता है इनसे, नॉर्थ इंडिया वाले सैनिक स्कूल से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यही टॉपिक था कि आपको यह बतलाना कि सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जाता है और कौन सा सैनिक स्कूल का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है।
तो सैनिक स्कूल का कट ऑफ हाई जाने के पीछे यही कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ गया है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब जागरूक भी हो रहे हैं, उनको भी जानकारी मिल रही है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सभी चीज़ों के बारे में। वो भी अब उन सभी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनमें एडमिशन लेकर के एनडीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इससे जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। तो कौन से सैनिक स्कूल का कट ऑफ आ जाता है? तो बिहार और यूपी के। इसके अलावा कौन से ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिनका और भी कट ऑफ आ जाता है? तो गोराखाल का भी सैनिक स्कूल जो है, गोराखाल का, उसका भी कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, गोराखाल सैनिक स्कूल। और नालंदा का तो हाई जाता ही है, और यूपी के जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनका। इसके अलावा कुंजपुरा, कपूरथला, इन सारे सैनिक स्कूल का भी कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। तिलैया सैनिक स्कूल, इसका भी कट ऑफ हाई ही जाता है। इसके अलावा जो साउथ के सैनिक स्कूल हैं, नॉर्थ के कंपेरिजन में अगर हम देखें, इन सारे सैनिक स्कूल के कंपेरिजन में, नालंदा, गोपालगंज, झांसी, अमेठी, लखनऊ, घोराखाल, कुंजपुरा, कपूरथला, तो इनके कंपैरिजन में उनका कट ऑफ लो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हम जानकारी आपको देना चाहते थे वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे यह जान सकें कि सैनिक स्कूल का कट ऑफ हाई जाने के पीछे क्या कारण है, और किस सैनिक स्कूल कट ऑफ हाई जाते हैं और किस सैनिक स्कूल कट ऑफ लो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो भी आकलन है, आंकड़ा, वो जान सके इस चीज़ के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड ऐसे ही सारी वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल का ऑफिशियल कट ऑफ जब भी रिलीज होगा उस पर हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑफिशियल कट ऑफ के अलावा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, इन सारी जानकारियों के बारे में हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उन सभी चीज़ की जानकारी ले सकें।